आम चुनाव को लेकर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिल रही है लगातार सफलता। सिद्धौड़ा थाना क्षेत्र से 36 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। मोहड्डा जलापूर्ति के इंटक वेल के पास से स्वर्णरेखा नदी में डूबा एक छात्र, पुलिस गोताखोरों की मदद से कर रही है छात्र की तलाश। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर इंटक द्वारा निकाली गई रैली, जमशेदपुर के कई मजदूर एवं नेता हुए शामिल। आम चुनाव को लेकर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। एक बार फिर से सिद्धौड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 36 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी भोला प्रसाद के नेतृत्व में सिद्धौड़ा हरिजन बस्ती और भुयाडी पार्क के पास से किए गए छापेमारी में सफलता मिली है। इस छापेमारी में अमित कुमार चौधरी, मल्ला रेड्डी, अभिषेक और रितेश जसवाल के पास से ब्राउन शुगर, मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किए गए, जबकि पुलिस को चकमा देकर फरार हुए सुमित मुखी के कमरे से 31,000 रुपए और ब्राउन शुगर बरामद किए गए। पुलिस एक और जहां फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, वहीं ब्राउन शुगर किससे और कहां से लेकर आते थे इसे लेकर भी अनुसंधान कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सभी से आवश्यक पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरजन बस्ती और भुयाडी पार्क के पास से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट किया गया है जिसमें 3 लोग हैं, अमित कुमार चौधरी, रिजेश जसवाल और मल्ला रेड्डी अभिषेक। इनके पास से ब्राउन शुगर, 36 पुड़िया, मोबाइल फोन, कार, फैशन प्रो गाड़ी एक और 2100 रुपया निवर्ती बरामद की गई। 31,000 रुपया निवर्ती बरामद की गई। आगे भी हम लोगों का अभियान जारी रहेगा और इस बार लोगों के कंडीशन के आधार पर और आगे जो ट्रेंड मिलेगा वो ये सामने आएगी। उस पर विशाखानगर थाना क्षेत्र के मोहड्डा जलपूर्ति के इंटक वेलफेयर के पास स्वर्णरेखा नदी में एक छात्र आर्यन झा डूब गया है। आर्यन झा कक्षा 8 का छात्र है, उसकी उम्र 14 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। परिजनों को जब आर्यन झा के डूबने की खबर मिली तो वह दौड़कर नदी घाट पहुंचे। वहां देखा कि चट्टान पर आर्यन झा का कपड़ा और चप्पल रखा हुआ है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोर लगाकर आर्यन झा की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि अब वह गुरुवार की सुबह फिर गोताखोर लगाकर आर्यन झा की तलाश करेंगे। परिजनों ने बताया कि बुधवार की सुबह आर्यन झा की नानी का निधन हो गया था। परिवार के लोग उनकी अंतिम संस्कार में भुयाडी स्थित स्वर्णरेखा घाट गए थे। इधर परिजनों को सूचना मिली कि आर्यन झा नदी में डूब गया है, तो वह भागकर नदी घाट पहुंचे। और आज बहुत ही दुखद घटना, बारीडी बस्ती बागूनगर टीओपी निवासी संदीप झा जी के परिवार पे आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज प्रातः सुबह 5 बजे संदीप झा जी की माता जी का आज घर पे ही देहांत हो गया और सभी लोग, उनके परिवारजन, हम सभी लोग भुयाडी स्वर्णरेखा घाट पर उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लगे हुए थे कि इसी बीच दिन में खबर आती है कि जो मृतक हैं उनका नाती और संदीप झा जी का भगिना जो कि 14 वर्ष उम्र है और बारीडी बस्ती के ही द चाणक्य विद्यालय का वो 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वो आज इस मोहर्दा के इस जो जलापूर्ति जहाँ से पानी का होता है इस नदी के तट पर वो नहाने के क्रम में जो आर्यन झा है वो लास्टली आपका यहाँ पर देखा गया। परिवारजन को खबर हुआ, सभी लोग वहाँ से शमशान घाट से भागते हुए यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर चट्टान के एक बीचों बीच जो आर्यन झा है उसका कपड़ा चप्पल सारा कुछ मिला और स्थानीय थाना को सूचित किया गया। सिद्धौड़ा थाना प्रभारी को भी, बिरसानगर थाना प्रभारी को भी सूचना दिया गया और यहाँ के जो लोकल गोताखोर थे सबसे पहले वो लोग लगे, सभी लोग अपने स्तर से छानबीन में नदी के अंदर, उसके बाद फिर स्पेशल टीम आई गोताखोरों की, वो लोग भी पिछले करीब 1 से 1.5 घंटे से लगे हुए हैं और हम सभी लोग ईश्वर से आज ये प्रार्थना कर रहे हैं
कि एक शुभ समाचार हम सभी को प्राप्त हो और आर्यन झा की सकुशल बरामदगी इस जगह से हो। आज हम सभी लोग इंतजार में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बस्ती के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। आज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर इंटक के द्वारा एक रैली निकाली गई, जो आदित्यपुर क्षेत्र से होते हुए खरकई पुल से जमशेदपुर पहुंची और जमशेदपुर के मजदूर एवं नेता उसमें शामिल हो गए हैं। यह रैली बिष्टुपुर सांची होते हुए टेलको पहुंची और वहां टाटा मोटर्स यूनियन कार्यालय में सभा में परिवर्तित हो गई। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि सरकार एवं उद्योगपति भले ही कुछ कर ले, लेकिन मजदूर अब जाग चुका है, वह अपना हक समझने लगा है और हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य किसी कारखाने को बंद कराना नहीं, ना ही किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना है। हम लोग मजदूर के हक में लड़ाई लड़ते हैं, प्रबंधन से बातचीत करते हैं, उनका हक दिलाते हैं। आज भले ही सरकार उद्योगपतियों के प्रति ज़्यादा सहयोग की भावना रखते हैं, लेकिन पूरे दुनिया में मजदूर अब जाग चुके हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस संदर्भ में आज एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई, जो जमशेदपुर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्र से गुजरता हुआ टाटा मोटर्स यूनियन कार्यालय पहुंचा है। अभी जो आज हम लोगों ने रैली निकाली है मजदूरों की, आदित्यपुर खड़काई ब्रिज की तरफ से, आदित्यपुर से एक्चुअली रैली आई थी और खड़काई ब्रिज पर मिले जमशेदपुर के आदित्यपुर के लोग, आदित्यपुर से लेकर के और यहाँ पर जमशेदपुर जो अभी देख रहे हैं टाटा मोटर के हॉल में, यूनियन के हॉल में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये उसी की तैयारी है, उसी का एक हिस्सा है। अब देखिए एक चीज़ बताएं कि भले ही सरकार उद्योगपति मिलकर जो करना चाहें, लेकिन अब मजदूर आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है भारत में और दुनिया में। अब इतना ज़्यादा आंदोलित हो चुके हैं मजदूर और अपने अधिकारों की जानकारी उन्हें हो चुकी है कि अब उनका अधिकार छीनना इतना आसान नहीं है, और छीनेंगे तो फिर हमारा तो वही है, लड़ाई अधिकार में आता है और एकता अपनी बना करके और लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी जो हक हमको मिला हुआ है, जो अधिकार मिला हुआ है लंबे लड़ाई के बाद में, उसको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं और हम लोग तैयार हैं हर स्थिति के लिए। लेकिन हम इंटक के लीडर्स हैं, हम विश्वास करते हैं इस बात में कि जो कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनको बचाना भी हमारे दायित्व है, और ये कल कारखाने रहेंगे तो हमारी रोजी रोटी नौकरियाँ भी रहेंगी और फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी चलता रहेगा। हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि अपने कारखानों को डिस्टर्ब करें, लेकिन इस बात के मामले में हमारी हम और सारे हमारे यूनियन लीडर्स इंटक के सचेत रहते हैं कि हमारे हक की बात जब आएगी तो वहाँ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं प्रबंधन के साथ, और बातचीत करके रास्ता निकालते हैं, अपना हक लेते हैं। परसों रोज हमारी दिल्ली में INTUC जो नेशनल लेवल की वर्किंग कमेटी मीटिंग होने जा रही है, 3 तारीख को दिल्ली में जा रहे हैं वहाँ पर अटेंड करने, वहाँ ये सब बातचीत हो रही है, लगातार हम लोग मीटिंग में बात कर रहे हैं। ये ज़्यादा तो जो चीज़ें हो रही हैं वो सरकार की वजह से हो रही हैं, सरकार उद्योगपति परस्त हो गई है, पूरे पूंजी परस्त हो गई है, पूंजीवादी व्यवस्था धीरे धीरे उलादना चाह रही है जिसको हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जैसा कि आपको बताया कि एक समय आता है जब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो आदमी लड़ाई के लिए उतरता है, वो दौर अब स्टार्ट हो चुका है भारत में धीरे धीरे। अब धीरे धीरे भारत में लोग आंदोलित हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आपको एक परिणाम दिखाई देगा। सरायकेला खारसावा जिले के चांदिल बाजार में स्थित होटल राहुल पैलेस वर्तमान समय में समाज सेवी सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। होटल के संचालक शुक्राम हेमरम द्वारा चांडिल बाजार को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ चांडिल स्वस्थ चांडिल संस्था का गठन किया गया। यह विभिन्न क्षेत्र में जनता की सेवा में तत्पर है। इस कड़ी में 2023 से एक कूड़ादान वाहन निजी खर्च पर प्रतिदिन सुबह शाम चलाते हैं। इसके साथ ही बीच बीच में बाजार के सड़कों को भी अपने संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर स्वयं झाड़ू लगाकर साफ सफाई करते हैं और लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। होटल राहुल पैलेस चांडिल द्वारा स्वच्छ चांडिल स्वस्थ चांडिल संगठन के सहयोग से अभीचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जरूरतमंदों को निशुल्क रक्त उपलब्ध कराने के लिए 1 मई विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर MGM ब्लड सेंटर जमशेदपुर के सौजन्य से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ समाज सेवी सुखराम हेमरेम रेड क्रॉस सोसाइटी के सक्रिय सदस्य सुधीर गोराई, MGM ब्लड सेंटर के डॉक्टर विकास घोष, बुधेश्वर गो, सुमंगल कुंडू, मधु चंद्र हंसदा आदि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में महिला रक्तदाता दानगी सोरेन ने रक्तदान कर महिलाओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। होटल के संचालक सुखराम हेमरेम ने कहा कि जरूरतमंदों को रक्त का अभाव नहीं होने दिया जाएगा, जरूरतमंदों को रक्त का अभाव नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए अब हर साल ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर एमजीएम ब्लड सेंटर के डॉक्टर विकास घोष, संजय कुमार, रघुवर कुमार, हुसैन आरा, चांदनी प्रवीण, मोहली टोपो, सुधाकर सोरेन, राजेश जोशी, ओम प्रकाश, सूरज कुमार आदि उपस्थित थे। आप लोग का चैनल के माध्यम से आज इंटरनेशनल मजदूर दिवस दिन भी है, इसलिए मैं सबसे पहले पूरा भारत देश का मजदूर और श्रमिक को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में मजदूर दिवस भी है, शुभ दिन भी है, मजदूरों का श्रमिकों को आज सलाम भी हम लोग करते हैं। उसका मजदूरी के कारण, मेहनती होने के कारण आज इसलिए हम लोग इस दिन को चुने। और सही मायने में टेम्परेचर जो है वो तो है ही, लेकिन आज रक्तदान महादान है। रक्तदान करके हम लोग एक जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, हम लोग जीवन को बचाया जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने आज इस शुभ अवसर पर, मजदूर दिवस के दिन पर इस तरह का कार्यक्रम करके हम लोग एक जीवन को सुरक्षित करने का एक निर्णय लिए। मजदूर दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय इंटर और मेट्रल फेडरेशन के महासचिव, झारखंड आम मजदूर यूनियन तथा जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली गई। रैली रविंद्र भवन के सामने से शुरू होकर आम बगान स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष समाप्त हुई। यहां पर श्री पांडे के नेतृत्व में मजदूरों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि 1 मई को पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज के दिन ही मजदूरों को गुलामी से मुक्ति मिली थी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर मजदूरों का शहर है। यहाँ के मजदूरों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अब्दुल बारी, गोपेश्वर जी और बी जी गोपाल जैसे महान मजदूर नेताओं का नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि नए 4 श्रम कानूनों से मजदूरों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। असंगठित मजदूरों को फिर से बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। चूंकि आदर्श चुनाव संहिता लागू है, इसलिए इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद मजदूरों के हक की लड़ाई जोरदार ढंग से लड़ी जाएगी। इस रैली में प्रमुख रूप से रघुनाथ पांडे, गोपाल जसवाल, सीडी एस कृष्णा, कमल किशोर अग्रवाल, रविकांत शुक्ला सहित भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मजदूर दिवस है और पूरे विश्व में मजदूर दिवस आज के दिन मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं 1 मई, और यह तो मजदूरों का शहर है, उद्योग का शहर है जमशेदपुर। आप जाएं जमशेदपुर के आसपास केवल उद्योग है, मजदूर है। और यहाँ अगर आप देखेंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ नेतृत्व किए थे। आप सबको मालूम होगा कि मजदूरों का नेतृत्व उन्होंने किया था। महात्मा गांधी भी यहाँ पर जब कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उस समय आए थे। और यहाँ माइकल जॉन, गोपाल बाबू जैसे और बाली साहब जैसे महान नेता ने टाटा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व किया है। और उसके बाद आज जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, आज के समय में तो और एक लड़ाई को जोर देना पड़ेगा। क्योंकि जो स्थिति बनी है आज देखिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले एम्प्लॉई तो आज के टाइम में उनकी जो स्थिति बनी है, ना ही उनको कोई सुविधा दी जाती है, ना वो लोग को बैठने का व्यवस्था है। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोग ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं? जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एडुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिजनेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में है वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न श्रम संगठनों के द्वारा मजदूर हित के आह्वान को लेकर विशाल रैली निकाली गई।
मजदूर नेताओं की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में मजदूर इन रैलियों में शामिल होकर मजदूर हित में आवाज बुलंद करते नजर आए। बारीगोड़ा क्षेत्र से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र से विशाल रैली निकाली गई। सभी ने यहां मजदूर हित में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इटक के राज्य सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि आज के ही दिन मजदूरों का आंदोलन रंग लाया था और मजदूरों ने 8 घंटे की ड्यूटी का नियम बनवाया था, उसी के लिए आज इस दिवस को खास तौर पर विश्व भर में मजदूर मनाते हैं। लेकिन वर्तमान में देश की केंद्र सरकार 12 घंटों का शिफ्ट लेकर मजदूरों के अधिकारों का हनन करने का प्रयास में है, जिसके खिलाफ आवाज बुलंद किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इंटक के तत्वधान में भी विशाल रैली निकाली गई, जो बिष्टुपुर से निकलकर विभिन्न इलाकों से होते हुए टेलको पहुंची। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि आज के दिवस को मनाकर हम मजदूरों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मजदूरों के एकजुट में ही बल है, सभी एकजुट होकर ही मजदूर हित की रक्षा कर पाएंगे। सन 1886 में शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के लिए लड़ा और शहीद हुआ, और उन्हीं शहीदों का देन है कि आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान के अलावे पूरे विश्व में सभी मजदूरों को 8 घंटे का पाली बनाया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज वर्तमान स्थिति में मजदूरों को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी, 12 घंटे का काम शुरू कराया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और मई दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लड़ करके जो हमें शहादत दे करके जो अधिकार मजदूरों को दिलाया है, उसकी हम रक्षा करेंगे, और उसकी रक्षा के लिए आज मई दिवस हम मना रहे हैं। आज यह रैली बारीगोड़ा के बस्ती से जमशेदपुर के तमाम इलाकों में घूमते हुए और आकर के पुनः बारीगोड़ा में समाप्त होगा। जमशेदपुर के विद्यापति नगर में श्री श्री महावीर मंदिर के 3rd वर्षगांठ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक आयोजित होगी, जिसमें वृंदावन से कथावाचक श्री कपिल दीक्षित भगवत कथा की प्रस्तुति दे रहे हैं। यह कार्यक्रम 29 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ आरंभ हुई थी, जो मंदिर प्रांगण से स्थापित की गई, जिसके बाद संध्या काल से कथा आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यापति नगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रोता इसमें शामिल हो रहे हैं। मंदिर के अध्यक्ष संजय सिंह ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 5 को कथा संपन्न के बाद 6 मई को विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। 3rd वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 29 अप्रैल से कथा का शुभारम्भ हुआ है कलश यात्रा के साथ। आज कथा का दूसरा दिन है, ये कथा 5 मई तक चलेगी और 6 मई को विशाल भंडारा के साथ समापन होगा। पूरे बस्तीवासी, समाजवासी, जमशेदपुर वासियों को हमारा निमंत्रण है कि इस विशाल भंडारा में आए और महाप्रसाद का आनंद ले। महाराज जी आए हैं वृंदावन से, इनका नाम कपिल दीक्षित जी है। श्री श्री शिव महावीर मंदिर, विद्यापति नगर, बारीड़ी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।